हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट की तरह स्पेशल बड़े। इसके लिए एक कटोरी फुल उड़द दाल लिया है और एक चौथाई भाग चना दाल लिया है। इसे पानी में 5 घंटे के लिए भिगोकर निकाल लिया है। इसे बनाने के लिए चाहिए उड़द दाल, चना दाल, आधी कटोरी चावल का आटा, नमक, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हरी धनिया, हींग, एक मीडियम साइज प्याज। अब इस बाउल में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा लिया है और काली मिर्च। इसको मैं दाल के साथ मिक्सर में अच्छे से पीस दूंगी, बिल्कुल बारीक पीसूंगी इसको मैं। दाल जब इस तरीके से पिसकर दिखने लगे तो उसे मिक्सी से निकाल लेना है। दाल को इस तरह से 5 मिनट के लिए फेंटना है, इससे दाल में हल्कापन आ जाता है। चेक करना है तो इसके लिए एक बर्तन में पानी लिया, उसमें दाल डालकर देखा, दाल ऊपर आ रही है तो इससे ये पता चलता है कि दाल अच्छे से मिक्स हो गई है। दाल में हींग, चावल का आटा, हरी धनिया और प्याज को बारीक काटकर ऐड कर दिया है। आप हरी मिर्च बारीक काटकर भी डाल सकते हैं। दाल में नमक ऐड करने से दाल थोड़ी गीली हो जाती है, इस कारण चावल के आटे का हम यूज करते हैं। चावल के आटे का यूज करने से बड़े खाने में क्रिस्पी लगते हैं। गैस ऑन कर दिया है, तेल गर्म होने पर हम बड़े बनाएंगे। तेल गर्म हो गया है, बड़े बनाने के लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है, हाथ को पानी से गीला कर लिया, इससे हाथ में बड़े का पेस्ट चिपकता नहीं है। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रहने दें, इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। बड़े मीडियम फ्लेम में ही सेकें ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाएं। यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसमें मत डालिए। इन्हें दोनों तरफ से सेक लिया है, अब इन्हें निकाल लिया है। ये देखिए, बड़े बनकर तैयार है। अब आप इसको चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।